हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस जॉब के एक और नई वीडियो में, जहां पे हम इंडियन आर्मी के एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस झुंझुनू राजस्थान की तरफ से आया हुआ है, जो कि कंडक्ट करवाई जाएगी 7 नवंबर 2019 से 16 नवंबर 2019 के बीच में एटा स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू राजस्थान में। ये जो भर्ती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सिपाही डी फॉर्मर के लिए भर्ती आई हुई है, जिसके लिए कैंडिडेट को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी रखा गया है, जो कि 7 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो चुका है इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक, और आप इसके लिए 30 अक्टूबर 2019 तक फॉर्म भर पाएंगे। ये जो भर्ती है दोस्तों, वो हनुमानगर, बीकानेर, श्री गंगानगर, झुंझुनू और साथ ही साथ चूरू के लिए आया हुआ है। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ सिपाही फॉर्मा के लिए आया हुआ है, सोल्जर डी फॉर्मा के लिए, जिसके लिए आपका जो एज लिमिट है वो 19 साल से 25 साल के बीच का होना चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है 1 अक्टूबर 1994 से 30 सितंबर 2000 के बीच का होना चाहिए। मिनिमम हाइट इसमें आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50 kg, और जो चेस्ट है वो नॉर्मली 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, इसमें 12th पास रखा है, साथ ही साथ आपके पास डी फार्मा की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क के साथ में, या फिर आपके पास बी फार्मा की सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ में। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मिनिमम 48 kg वेट मांगा गया है, जो कि कंडी एरिया के कैंडिडेट हैं उनके लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो कैटेगरी है लद्दाखी हैं उनको लद्दाखी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो गोरखास कैंडिडेट हैं बहुत नेपाली और इंडियन दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, वेट 77 सेंटीमीटर, और वेट जो है 50 और 48 kg रखा गया है। अब इसमें दोस्तों और भी जो जो छूट दिया जाए, ट्राइबल एरियाज आते हैं उनको 162 सेंटीमीटर हाइट में और चेस्ट में 77 सेंटीमीटर नॉर्मली होना चाहिए, और वेट जो है उनका 48 kg रखा गया है। अब इसमें दोस्तों रिलैक्सेशन की बात कर लें, तो इसमें जो सन ऑफ एक्स सर्विस मैन या फिर रेडक्रॉस सन ऑफ एक्स सर्विस मैन या फिर जो स्पोर्ट्समैन कोटे से आते हैं, वो उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट दे दिया जाएगा, चेस्ट में 1 से 3 सेंटीमीटर और वेट में 2 से 5 kg तक का छूट दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको सबसे पहले 1600 मीटर की रन पूरी करनी होगी, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता देंगे, 5 मिनट 45 सेकंड दिया रहता है, लेकिन आपको रैली साइड में 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम ही दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं मार्क की। तो अगर आप पहले 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 पूरी कर लेते हैं तो आपको 60 अंक दिए जाएंगे, अदरवाइज आप पीछे रहते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। अब बीम तो दोस्तों यहाँ पे 6 बीम्स लगाने होंगे, जिसको पुलअप्स भी कहते हैं। पास होने के लिए आपको मिनिमम जो है 6 पुलअप्स लगाने होंगे, फिर आपको 9 फीट का डिच पार करना होगा, और फिर यहाँ पे जिग जैग बैलेंसिंग बार पर भी चलना होगा। अब इसमें दोस्तों छूट भी दिया गया है, जैसे कि हिली सीरियस कैंडिडेट है, 9000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं, उनका एरिया आता है, तो उनको 30 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और दोस्तों जो 9000 से 12000 फीट की ऊंचाई पर अगर उनका एरिया आता है, तो उनको 120 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इनको जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पार करना जो है कंपलसरी रखा गया है। अब साथ ही साथ इसके बाद दोस्तों फिजिकल फिटनेस मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा रैली साइड। अगर आप ये जो है इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, तो जिसमें आपका हाइट वेट और जो है आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट रैली साइड ही कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके बाद आप मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं, आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो इसमें आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड, 20 फोटोग्राफ्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे, और साथ ही साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आप छूट चाहते हैं तो आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपके है वो एफिडेविट है, 10 रुपये का नॉन जजिकल स्टाम्प पेपर पर आपको नोटिस करवा करके ले जाना होगा। एफिडेविट का फॉर्मेट दोस्तों यहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले कमेंट में और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन और साथ साथ ये जो है आपका एफिडेविट है उसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें आपको नोटिस करवा करके ले जाना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस भर्ती के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा जो इंडियन आर्मी जाने की चाह रखते हैं और जो इंडियन आर्मी जाने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।